ना ऊंचा कोई ना नीचा कोई, ना ऊंचा कोई ना नीचा कोई, सबसे अलग सौहार्द नहीं, सृष्टि की यही सच्चाई। बुद्ध ने यही समझा। बुद्ध ने यही समझाई। आग से आग कैसे बुझेगी भाई, पैर से पैर कैसे मिटेगा भाई, आग से आग कैसे बुझेगी भाई। जास्त बोर नहीं करना, अपन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब अंधेरे में बैठे ले, मगर सब अंदर देखना चाहिए, बाहर नहीं, आज बघा बाहेर नाही। आणि राम राम, नमस्कार, जय श्री, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बट इस किस्म का एक सीडी जिसमें उनकी टीचिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी वो शांति का संदेश, वो एक गीत के रूप में अलग अलग टैलेंटेड सिंगर्स ने पेश किया है और उन सबको इकट्ठा करके हमारे लिए एक सीडी बनाया है, एक डीवीडी जो बनाया है म्यूजिकल, आई थिंक फैंटास्टिक है। समाधान है इस बात पर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है ये कि लोगों को ये कंपोजिशंस और ये म्यूज़िक और ये गाने पसंद आए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट था, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं लग रही थी कि लोगों को ये मॉडर्न फॉर्मेट में बुद्ध पर गाने पसंद आएंगे, बट लोगों ने जिस तरह से इसको अपनी राय दी है, सराहा है, इसको इस पर प्रेम जता है, तो मुझे बहुत ही बड़ा समाधान प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक आप बुद्धांवरची अतिशय सुरेख गाणी आणि त्याला तितकंच उत्तम संगीत, असा हा कार्यक्रमामध्ये मला आज गायला संधी मिळाली, ते मला खूपच छान वाटलं। राजे ठाकरे यांचं स्वतःचं व्यवसाय हा संगीताचा नसून देखील त्यांनी ज्या तऱ्हेने त्याचं म्युझिक कंपोज केलं ते अतिशय सुंदर वाटलं। हा जो आल्बम आहे तो पण मी ऐकला आहे आणि सुरेशजी, शंकर महादेवने हे सगळे त्याच्यामध्ये गायलेले आहेत, तो अतिशय सुरेख आल्बम झालेला आहे। बहुत खुशी है कि राजेश ढाबरे जी जो हैं वो सरकार में रहकर कलाकार की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ी निराशा होती है जब मैं रोज़ अखबार उठाती हूँ और सरकार और पॉलिटिशियंस के स्कैम 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 स्कैम, तो इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने बुद्ध के विचार एल्बम में डाले हैं और संगीतकार की तरह आगे आए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और अगर हमारे सभी लोग ऐसे सोचने लगें, बुद्ध के विचारों पे चलें और अपने आप को दिल से कला से जोड़ें, तो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय आगे आने वाला है। और मुझे ये बहुत मज़ा आया है शाम, बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस हैं। I feel very much warm in my heart and I feel that we are Buddhists as much as you are and I'm And I feel very honored and very, very, very privileged to be in your midst today. And I am, you know, this is beyond words. And so pleased to be among fellow Buddhists. And I hope this continues.